To all of you, we are student of GSS Suri from district Una, and we are performing a role play under the theme Power of Responsible Social Media Use. Let's start. तो आगे तुम लोग मिलना चाहोगे मेरे दोस्तों से तो देखो। मैं हूँ WhatsApp, पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, बच्चे बूढ़े जवान सब दीवाने हैं मेरे। Google नाम है मेरा, मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। इस नाचीज को इंस्टाग्राम कहते हैं, मैंने सबको पागल कर रखा है, इनको उनको सबको। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक, मुझसे तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। मम्मा मम्मा, कल मेरा एग्जाम है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, प्लीज आप मुझे पढ़ा दीजिए। क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था लेकिन मैं भूल गई। बेटा अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा पापा, कल मेरा एग्जाम है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, प्लीज आप मुझे पढ़ा दीजिए। बेटा मैं पहले से बहुत लेट हूँ और मुझे ऑफिस का काम भी है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा पापा, अब तो आप मुझे थोड़ा सा पढ़ा दीजिए ना। बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मम्मा मम्मा, अब तो आप मुझे थोड़ा सा पढ़ा दीजिए ना। ठीक है बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा। ओ गॉड, मम्मा को कितनी देर हो गई, मम्मा तो अभी तक आए नहीं, जब तक मैं नेट से सर्च कर लेती हूँ। देखो इसे भी अपने जाल में फंसा लेते हैं। सुबह हो गई, मुझे ना पता नहीं चला अब मैं एग्जाम में क्या लिखूंगी। आज तो मेरा रिजल्ट भी आना है। ओह नो, मैं तो फेल हो गई। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाकर डॉक्टर को फोन करो। हेलो डॉक्टर साहब जल्दी आइए, देखिए हमारी बेटी को क्या हुआ। तुम्हारे फेसबुक पर 5000 फ्रेंड भी होंगे लेकिन में से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। डॉक्टर साहब जल्दी देखिए। देखिए घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है, सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने की वजह से आपके बेटे डिप्रेशन में चली गई है। अभी इसे अपने पर की बहुत जरूरत है ताकि यह ज्यादा से ज्यादा समय अपने रियल फ्रेंड के साथ बिता सके, इसी से इसकी रिकवरी भी ज्यादा जल्दी होगी। ओह गॉड, मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए था, अलका बोल भी रही थी पर मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, फेल होने का सदमा ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। कैसा वक्त आ गया है, फेसबुक पर भी हमारे 5000 से ज्यादा फ्रेंड है परंतु घर में बोलचाल बंद है। याद रखें, मुसीबत के समय हमारे माता पिता भाई बहन और पड़ोस के मित्र ही आएंगे, इस मायाजाल के मित्र नहीं आएंगे उससे पहुंचने। इसीलिए अपने माता पिता को बड़े भाई बहनों के साथ जुड़े तथा उससे बातें करें, सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना दूर रहे। हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझ कर जरूरत के अनुसार करना चाहिए, हमें यूट्यूब और गूगल का इस्तेमाल पढ़ने लिखने और ज्ञान बढ़ाने के लिए ही करना चाहिए।
हमारी लाइफ में मोबाइल भी जरूरी है, लेकिन कहा जाता है ना कुछ वस्तुओं का उपयोग जरूरत से ज्यादा किया जाए तो वो हानिकारक होता है। आज तो मोबाइल लोगों के लिए हवा पानी भोजन की तरह हो गया है, वो उसके बिना रह ही सकते। हमें विज्ञान का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए, ना कि गलत तरीके से। अधिकांश पेरेंट्स सोशल मीडिया पर इतना बिजी हो गए हैं कि वे अपने परिवार पर बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे। हमें अपने परिवार पर बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि उनका जीवन सुखमय व्यतीत हो। हमें सोशल मीडिया से जितना